तो दोस्तों इंडिया में एंड्रॉयड पाई का अपडेट सैमसंग S9 और S9 प्लस पे आ चुका है, जो कि सैमसंग वन UI स्किन पे रन कर रहा है। तो चलिए देखते हैं आज इसके कुछ खास फीचर्स। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे फ़ोन पे एंड्रॉयड पाई वर्जन लोडेड है। यह है मेरा सैमसंग का S9 प्लस। हम चलते हैं इसके सेटिंग्स मेनू में और ये देखिए एंड्रॉयड पाई का फुल वर्जन है। दोस्तों आजकल जो मोबाइल हैं वो बड़े होते जा रहे हैं स्क्रीन साइज़, तो सैमसंग वन का फुल इंटेंशन यही है कि वो वन हैंड यूज़ कर सकें आप, बहुत ही कन्वीनियंट लगेगा आपको। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इसके खास फीचर्स। तो सबसे बड़ा और फ्रेश चेंज इसमें है नाइट मोड, जिसमें कि आप देखेंगे स्क्रीन पूरी ब्लैक हो गई है। ये रात के टाइम पे ग्लेयर से आपको बचाएगा और काफ़ी वेलकम फीचर है ये, और आपकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी सेव होगी इससे। अब नेक्स्ट जो फीचर आप देख सकते हैं ये सेटिंग्स मेन्यू है इसका। इसको आप नीचे पुल करके वन हैंड ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं, पहले ये ऑप्शन नहीं था, पर ये काफ़ी वेलकम चेंज है। अब मैं आपको अब मैसेज स्क्रीन दिखाता हूँ। यहाँ पे भी देखिए टॉप में आपको एक एडिशनल स्पेस दी गई है ताकि मैसेजेस बॉटम से स्टार्ट होए और आप इजीली वन हैंड से कंट्रोल कर सकें। दोस्तों तो पूरा यूआई जैसे कि मैंने कहा आपको वन हैंड मोड के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है। सो अगला जो मेजर अपडेट है वो है इसका गेस्चर मोड। ये आप सेटिंग्स मेन्यू में जाके ऑन ऑफ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एनिमेशन के थ्रू ये कैसे ऑपरेट करता है। स्लाइड से आप बॉटम से ऊपर राइट या बॉटम से ऊपर लेफ्ट स्लाइड कीजिए और ये आपको अलग अलग ऑप्शन देगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। नेविगेशन बार को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेआउट ऑफ बटन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और गेस्चर के अलग अलग पैटर्न्स भी सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा कर रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगला जो अपडेट है वो है लिफ्ट टू वेक। अगर आप अपना फ़ोन डेस्क पे से उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली वेकअप हो जाएगा। स्मार्ट स्टे तो पहले से ही था पर लिफ्ट टू वेक समथिंग नया ऐड किया गया है। तो फिलहाल फ़ोन मेरा नाइट मोड में आप देख रहे हैं, हाई कॉन्ट्रास्ट थीम इस पर रन हो रही है क्योंकि ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। इस थीम में मेरे हिसाब से आपकी बैटरी लाइफ प्रोलॉन्ग होगी। मैं इसे करीबन 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैंने एक इम्प्रूवमेंट देखा है बैटरी लाइफ में। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को तो ये अपडेट अच्छा लगेगा पर इसमें कुछ कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो शायद आपको अच्छा ना लगे, जैसे कि गेस्चर कंट्रोल। थोड़ा टाइम लगता है समझने के लिए, फ़िलहाल मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यूज़ करने में। तो दोस्तों अगला जो मेजर चेंज आपको दिखेगा वो इसके कैमरा के ऑप्शन में मिलेगा। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं कैमरा का एप्लीकेशन। तो जैसा कि मैंने कहा सैमसंग वन UI का एंटायर फोकस इज़ ऑन यूज़र एक्सपीरियंस। तो अगर आप देखें ये जो बॉटन में आपको बटन्स दिख रहे हैं ये ओरियो में टॉप में हुआ करते थे, पर सैमसंग वन UI में अब इसे नीचे ले लिया गया है ताकि आप वन हैंडेड इसे आराम से कंट्रोल कर पाएँ। एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी इस अपडेट में वो है वीडियो रिकॉर्ड ऑप्शन। जो पहले के वर्जन में आप वीडियो के लिए डेडिकेटेड बटन होता था, पर अब ज़्यादातर मोबाइल्स अगर आप देखें मार्केट में तो उनमें यही सेम मेन्यू होता है जिसमें आप वीडियो पे क्लिक करके ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसमें सैमसंग वन एंड्रॉयड पाई में भी आपको यही ऑप्शन मिलता है। थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है अगर आप घाई में हो वीडियो रिकॉर्ड करने के, तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पहले वीडियो के ऑप्शन में जाइए और फिर जाके रिकॉर्ड कीजिए। सो कैमरा सेटिंग में तो एक अलग से मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आज के दिन इसे कवर नहीं करते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं देखते हैं व्हाट इज़ आर नेक्स्ट अपडेट इन सैमसंग वन एंड्रॉयड पाई। नेक्स्ट जो एक वेलकम चेंज आ रहा है वो है इसके गैलरी ऑप्शन में। तो आप गैलरी मेन्यू में चलते हैं और मैं दिखाता हूँ। अब आपकी फ़ोटोज़ अगर आप डिलीट करें तो आपको रिट्रीव करने का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि डेस्कटॉप या लैपटॉप की तरह इसमें रिसाइकल बिन का ऑप्शन मिलता है। अब आपको अगर गलती से आप कोई इमेज डिलीट कर दें तो वो जो आपको अपने रिसाइकल बिन में 15 दिन तक मिल जाएगी दोस्तों। जी हाँ, 15 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी आपके सिस्टम पे से। नेक्स्ट जो चेंज आपको देखने मिलेगा वो है इसके फ़ोटो एडिटर ऑप्शन में। तो अगर आपने कोई इमेज क्लिक की है और आप उसके अंदर देखेंगे कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं अब अपनी फ़ोटो को कस्टमाइज़ करने के लिए। यूं तो सैमसंग का एक डेडिकेटेड फ़ोटो एडिटर ऐप भी आता है गूगल प्ले स्टोर में, मगर यहाँ पर आप देखेंगे इनबिल्ट ही आपको काफ़ी ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं प्रीवियस वर्जनस के मुकाबले। और इतना चेंजेस किया है तो कीबोर्ड को कैसे छोड़ सकते हैं। इस टाइम सैमसंग ने कीबोर्ड को फ्लोट कराने का ऑप्शन प्रोवाइड किया है दोस्तों। तो आप उस फ्लोटिंग कीबोर्ड को अपने स्क्रीन पे कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, वो अपनी फिक्स जगह से मूव हो जाएगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एंड्रॉयड पाई सैमसंग वन यूज़र एक्सपीरियंस में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। जैसे कि आप देखें कहाँ पर काफ़ी से सारे वॉलपेपर और थीम्स के ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ तो इंडियन थीम्स भी दिख रहे हैं यहाँ पर।
तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको ये ट्राई ज़रूर कीजिए दोस्तों अगर आपके पास अपडेट आया है तो। अब देखेंगे, अब आपके पास विजेट्स में भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अलग अलग टाइप के विजेट्स। और अगर मैं आपको दिखाऊं इसके क्लॉक मेनू को, तो क्लॉक मेनू में भी आप देखेंगे थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक दिखेंगी आपको, जो पहले अवेलेबल नहीं थी पुराने वर्जन्स में। तो ये देख रहे हैं आप अलग अलग टाइप की क्लॉक्स अभी आपके स्क्रीन पे दिख रही हैं आपको दोस्तों। तो ये कस्टमाइजेशन ऑप्शंस छोटे छोटे हैं पर काफ़ी बेहतरीन यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये है की चेंजेस सैमसंग वन यूआई रनिंग ऑन एंड्रॉयड पाई। मैं करीबन 1.5-2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इस आगे भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको और भी इसमें माइन्यूट चेंजेस जो हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हैव अ गुड डे दोस्तों।